अगर आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी है और आपको ये नहीं पता मैं कैसे शुरू करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। और आपको कंफ्यूजन है कि मैं किन फ्री रिसोर्सेज का यूज करूं, ऐसा स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, मेरे पास भी नहीं थे, तो किस तरीके से मैं फ्री रिसोर्सेज का यूज करके अच्छा तगड़ा प्लेसमेंट उठा पाऊंगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैंने खुद पर्सनली कौन कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करी हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, और उनको एक ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे आप यूज कर सकते हैं। मैंने भी अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारी गलती करी, तो मैं नहीं चाहता आप वही गलती आप खुद दोहराएं, ताकि आप एक कम समय में आप अच्छे से प्लेसमेंट की तैयारी कर पाए। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो तैयारी तो शुरू हो जाती है, लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो मैं ये भी कवर करूंगा आपके किस तरीके से कंसिस्टेंट रह पाए पूरी जर्नी के दौरान, और जो भी एज केसेस होंगे छोटे मोटे पॉइंट्स जो हम बहुत बार मिस कर देते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये पूरी एक प्लेसमेंट सीरीज होगी जिसमें मैं आपको जीरो से स्टार्ट कराऊंगा कि आप कहां से स्टार्ट करना है। थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन मैं खुद से भी करूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मुझे शुरू कैसे करना है उन चीजों को, और इस तरीके से मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा इस पूरी सीरीज की हेल्प से। तो मैं इसमें सब कुछ कवर करने वाला हूँ, आपको डीएसए कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे करने हैं, एप्टीट्यूड, सिस्टम डिजाइन, मतलब जो भी ए टू जेड चीजें हैं प्लेसमेंट के लिए जो चाहिए, उनको आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और फ्री में जो भी रिसोर्सेज हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें सबसे पहले एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आप लैंग्वेज किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप C++ या जावा से ही स्टार्ट करें। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू होगा ये एक बेसिक लैंग्वेज है और इनसे आपको चीजें पूछी जाएंगी। पाइथन जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ चीजें सॉर्ट करनी है उसमें सीधा एक फंक्शन होगा, आप उससे सब कुछ सॉर्ट कर दोगे, लेकिन C++ जावा में आपको सिखाया भी जाता है अच्छे से कि आप किस तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे रियल में, उसके पीछे का लॉजिक। तो मैं इसलिए आपको कहूंगा आप C++ और जावा से शुरू करें। अब बात यह है आप C++ और जावा कहां से पढ़ें, तो मैंने खुद C++ सॉल्व सर से पढ़ा है, उनके YouTube पे लेक्चर्स हैं और वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इसके साथ आप पूरी थ्योरी को भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अब बात यह है कि आप किस लेवल तक C++ और जावा पढ़ें। अगर मैं C++ की बात करूं, अगर आपको बेसिक चीजें पता है लाइक फंक्शन कॉल, फॉर लूप कैसे चलता है, व्हाइल लूप कैसे चलता है, सी इन सी आउट, अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती हैं तो आप सीधा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में सीधा जंप कर सकते हैं। अब बात घूम फिर के आती है, जब मुझे एक लैंग्वेज आ गई है तो मुझे डीएसए पढ़ने की जरूरत क्यों है, और ऐसा क्यों है कि जो कंपनियां हैं वो डीएसए से ही क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं। अब इसके पीछे का अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं, रियल वर्ल्ड में इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा कैसे है, मान लो जब भी हम अपने टैब में अपने लैपटॉप में फेसबुक सर्च करता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, अगर वही सर्वर मुझे उसका आंसर 10 मिनट बाद दे तो आपका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो आजकल तो एक सेकंड के अंदर पूरा आंसर मिल जाता है हम सबको, तो वो एक सेकंड के अंदर आंसर कैसे मिल रहा है, वो मिल रहा है कि उनके पीछे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम लगे हुए हैं, वहां हमने ऑप्टिमाइज कोड लिखा हुआ है जिससे हमारी क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जा रही है। अगर हमको इनका नॉलेज नहीं होगा तो वही रिक्वेस्ट सॉल्व होने में हमको 10 मिनट तक लग सकते हैं, आंसर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हैं वहां पे सर्चिंग एल्गोरिथम वगैरह यूज होते हैं, वहां से वो उनको निकालता है फिर आपको भेजता है, तो ये काम बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए, जितनी जल्दी वो होंगे उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। इसलिए मैं कहता हूँ डीएसए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए कंपनीज भी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। अब डीएसए कहां से शुरू करें, अगेन सौरभ सुनल सर और कोडी थ्योरी को आप शुरू कर सकते हैं। आप एक टॉपिक उठाएं, मान लो आपने एरे का टॉपिक उठाया सबसे पहले, तो आप एरे को टॉपिक का पूरा वीडियो देखें, उसके नोट्स खुद से बनाएं, उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसको कहता हूं, मैं गीक्सपोर्ट गीक्स को कहता हूं, क्योंकि मैंने एज अ बिगनर वहीं से शुरू करा था। मेरी खुद की रैंक IIT गुवाहाटी में नंबर 1 है गीक्सपोर्ट गीक्स के ऊपर, ये बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, तो मैंने यहीं से शुरू अपनी पूरी जर्नी करी थी। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ से ऑप्टिमाइज करके सारी चीजों को निकालना है और वो भी फ्री में, तभी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलो डेमो शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एक टैब खोलेंगे और उस पर टाइप करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस का, हमें खोला जो सबसे ऊपर लिंक आएगा उसको मैं क्लिक करूंगा। ओके, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप सीधा वहीं से इस साइट को विजिट कर सकते हैं। तो ऊपर से अगर मैं देखूँ तो डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, कंपनी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है, कोर्सेस हैं, तो इनको हमको फॉलो करने। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप जावा, पाइथन, CPP यहाँ से भी सीख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, तो आप बिल्कुल बिंदास यहाँ से सीख सकते हैं। हाँ, अगर आपने एक बार C++ कर लिया उसके बाद आपको STL सीखना जरूरी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। मान लो उसका फायदा ये है कि आपको एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मान लो कोई सॉर्टिंग का कोई कोड है अगर आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, इससे बढ़िया मैं एक फंक्शन लूँगा और वो बिल्कुल मेरे कोड को सॉर्ट कर ले, इसलिए वहाँ पे STL यूज होता है।
अब हम डेटा स्ट्रक्चर की ओर जंप करेंगे, तो यहाँ पे एरे लिंक लिस्ट स्टैक इस तरीके से दे रखे हैं, तो मैं मूव डेटा स्ट्रक्चर में क्लिक करके आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एरे के, स्ट्रिंग के, ट्री के, हैश के, और हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले मैं एरे पे जाता हूँ, एरे को मैंने स्क्रॉल किया नीचे गया, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्व, अनसॉल्व, अटेम्प्टेड, बुक मार्क। तो मैं अनसॉल्व वाले क्वेश्चन करना पसंद करूंगा कि जो मैंने पहले सॉल्व किया उनको सॉल्व करके फायदा किया है। और यहाँ पे मैं कोई भी डिफिकल्टी लेवल चूज कर सकता हूँ, स्कूल बेसिक, इजी, मीडियम, हार्ड। मैं इजी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मैं देख सकता हूँ, मान लो ये है सेग्रीगेट जीरो एंड वंस, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, चलो इसको ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मेरी रैंक 1 थी इंस्टीट्यूट में, अब ऑफिशियल के 2 हो चुकी है, क्योंकि मैं 6 साल मैंने से प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, तो उसको देख लेना किसी ने मुझे टैकल कर दिया है। अच्छी बात है काफी। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन एरे ऑफ लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 0 and 1 इन रैंडम ऑर्डर, मॉडिफाई द एरे एंड सेग्रीगेट 0 ऑन लेफ्ट साइड एंड 1 ऑन द राइट साइड ऑफ द एरे। ओके, आपको एक एरे दे रखा है 5 साइज का एरे, इस तरीके से एलिमेंट दे रखे हैं, तो आपको पहले सारे 0 लिखने, फिर सारे 1 लिखने, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, एक्सपेक्टेड टाइम कॉन्सिटी मुझसे ऑर्डर ऑफ एन चाह रहा है, और ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ 1। जब आप डीएसए पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब है क्या। तो चलो कोड लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ से मैं अपनी फेवरेट कोई भी लैंग्वेज मैं चूज कर सकता हूँ, तो मैं C++ में करूँ तो मैं उसी को कोड करना पसंद करूंगा। अब मुझे ये करना है, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ 0 काउंट कर लूंगा, टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट कर लूंगा, और फिर जो भी मेरा एरे उसको मॉडिफाई करके लिख दूंगा सीधा। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 0 ही है, और नंबर ऑफ 1 इक्वल टू इनिशियली 0 है। ओके, तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, अगर मेरे एरे के अंदर मुझे 0 मिलता है तो नंबर ऑफ 0 मैं 1 से बढ़ा दूंगा एल्स में। ओके, तो इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा। ओके, तो एक बार मैंने ये कर लिया, अब मैं इसी एरे को मॉडिफाई कर दूंगा। मेरे पास काउंट आ चुका है कितने 0 है कितने 1 है इस लूप की हालत से, तो ये फॉर लूप आप अपनी लैंग्वेज में सीख जाएंगे। उसके बाद मैं फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब या तो मैं इसको बहुत तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे या तो मैं C0 तक लूप चलाऊँ, ओके, जितने नंबर ऑफ 0 है मेरे पास वहाँ तक का मैं लूप चला लेता हूँ, और उस सबको मैं अपडेट कर दूंगा किससे, 0 से सीधा। और दूसरा लूप चलाऊंगा फॉर इंटीजर आई इक्वल इंटीजर आई इक्वल टू C0 से कितने नंबर ऑफ 0 थे आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ये मेरा एरे में 1 को अपडेट कर देगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो ये मुझे चाहता है कि मैंने मॉडिफाई कर दिया एरे को, अब देखते हैं कंपाइल करके मेरा आंसर क्या आता है। तो आंसर मेरा बिल्कुल सही आया है, योर आउटपुट 0 0 एंड एक्सपेक्टेड भी वही था। अब मैं इसको सीधा फाइनल सबमिट करके देखता हूँ कितने टेस्ट केसेस मेरे पास होते हैं इस पे। तो 451 में से मेरे सारे केसेस टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, ये तो ओके, थोड़ा खुशी भी मिलती है, बड़ी इजी प्रॉब्लम है, तो सारी 100% एक्यूरेसी। टेस्ट केसेस होते हैं कि इनपुट आपको दिया रहेगा बैक एंड में, अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है तो वही इस पे चेक होता है टोटल। तो इस प्रॉब्लम से मुझे 2 पॉइंट्स मिले हैं, मेरे 2 पॉइंट बढ़ गए। और आप इसको, अगर आपको ये क्वेश्चन मान लो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप नीचे सॉल्व करके जा सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं सॉल्यूशन को। ओके, यहाँ पे भी आपके सामने बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर आप एडिटोरियल पढ़ लें, एडिटोरियल में क्लिक करके यहाँ पे भी आपको सारे सॉल्यूशन दिए रहेंगे। आप इस लिंक को जाएं, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन दिया रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, मैंने एक तरीका यूज़ किया है। ओके, अब जब आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली, मान लो आपको फिर भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, तो आपको सीधा क्या करना है, इसको कॉपी मारना और यूट्यूब पे पेस्ट कर देना, आपको एक वीडियो मिल जाएगी सॉल्यूशन से रिलेटेड। ओके, तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जब आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास एक चीज़ और होती है, प्रॉब्लम ऑफ द डे, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये वाली प्रॉब्लम है फार्थेस्ट नंबर, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल अलग टॉपिक्स होगा, मान लो आप अभी एरे कर रहे हो, वो क्या था, स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक से ऊपर क्वेश्चन हो, अगर आप इसको करते हैं तो आपका दिमाग बराबर काम करता रहेगा और आप स्विच कर सकते हैं प्रॉब्लम के बीच में। और इस सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको इससे पॉइंट मिलेंगे और उस पॉइंट को आप रिडीम करके गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हैं। ओके, गुडीज वगैरह मिल जाते हैं फ्री में, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब मान लो जिन बच्चों के पास टाइम कम है और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो लिख सकते हैं मस्ट डू GFG क्वेश्चन। ओके, अब इन क्वेश्चन को कर लें अगर आपके पास टाइम कम है। यहाँ पे एक सॉर्टेड वे में उन्हें दे रखा है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, देखो इतने सारे क्वेश्चन है, आप सीधा इनको भी अटेम्प्ट करके इनको सॉल्व कर लें अगर आपका प्लेसमेंट नजदीक है।
जो बिगनर है, जो पाथ मैंने आपको बताया वही करना है। अब मैं एज अ बिगनर और क्या क्या स्ट्रेटेजी करता था, जब मैं इन टॉपिक को सॉल्व करता था तो मैं अनसॉल्व में क्लिक करता था, इजी लेवल के क्वेश्चन पे टिक करता था। अब जो भी कंपनी के टैग वाले क्वेश्चन होंगे मैं पहले इजी में उनको ही करता था, जब तक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाएगा मतलब तब उन क्वेश्चन को करता था। जब इजी क्वेश्चन करके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है तब मैं मीडियम और हार्ड में जितने भी कंपनी के टैग वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे करूंगा। कंपनी के टैग वाले ये क्वेश्चन जहाँ पे लिखा रहेगा कंपनी का नाम, ये मॉर्गन स्टैनली सैमसंग, यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे काउंट ऑड इवन, इसमें किसी भी कंपनी ने पूछा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, वरना बहुत सारे क्वेश्चन हैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कौन करेगा। तो ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी और इस तरीके से मैंने नंबर वन रैंक आ गई थी मेरे कॉलेज में, जो अब नहीं रही। तो इस तरीके से आप इन पूरी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैंने GFG कंप्लीट कर लिया था उसके बाद मैं कौन से प्लेटफॉर्म में गया, किस तरीके से मैंने कोडिंग करी, क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी उस प्लेटफॉर्म पे लगाई है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बिंदास में डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपका आंसर अच्छे से और बढ़िया से देता हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।